हेलो एंड वेलकम, सत श्री अकाल जी। मैं हाँ हरजोत कौर, तो हाजिर हाँ जी लैके थोड़ा अपना मनपसंद इमीग्रेशन शो उडारी विदेशों। तो अज हमेशा की तरह सवाल थोड़े होणगे, आपां कैनेडा बारे गल करांगे, आस्ट्रेलिया बारे भी गल करांगे, पर साढ़े कोल कई सवाल उन्हां स्टूडेंट्स दे आ रहे हैं जिहड़े पुछ रहे हैं जी असी 10th पास हाँ, साढ़े लिए कि बेस्ट ऑप्शन हले भी अवेलेबल है जिस दे नाल असी भी अपने फ्यूचर नूं ब्राइट बना सकीए। सो अज तुसीं इस लिए शो जरूर ध्यान नाल सुनना ते वेखना पूरा, क्योंकि 10th पास स्टूडेंट्स लई इक बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी आप गल करन जा रहे हैं। तो अज साडे नाल स्टूडियो विच डिस्कशन दे लई असीं इनवाइट कीता है जी गो ग्लोबल कंसल्टेंट्स तो वीजा एक्सपर्ट मिस्टर नवनीत सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल हरजोत, सत श्री अकाल सारे दर्शकों नूं, धन्नवाद तकनीकी टीम दा। तो उम्मीद करदा दिवाली ठीक रही होगी, हालांकि बड़ा संघर्ष का समय है। दिवाली मुबारक दिंदे आ वी घबराहट हुंदी है कि किहो जिहा संघर्ष देश च चल रहे हैं, पर चलो खुशियां त्यौहार नाल चलते रहने हैं, संघर्ष जीवन दे वी चलते रहने हैं। जिवें हरजोत ने कहा, अज आपां सिंगापुर की गलबात भी करांगे। इह नहीं है कि सिंगापुर अज इनवेंट करती, या मैं कहण लग पिया तुहाडा कैनेडा नहीं जाणा, हुण सिंगापुर तुर जाओ सारे, राइट। मैनूं आते ही याद है जदों असीं सिंगापुर पहलां प्रमोट करते सी 2011, 12, 13, 14 च, मैं सैकड़ा बच्चा सिंगापुर भेजिया। मैनूं किसी कंसल्टेंट ने कहा, कहिंदा यार चंगा नहीं लगता इक्को शो दे उपर आपां गल करते हैं कैनेडा की, उत्थे आपां गल करते हैं सिंगापुर वर्गे मुल्क की। सो मुल्क नहीं माड़ा जी, जिस अप्रोच नाल असीं मुल्क नूं देखदे हां, जिहड़ी उम्मीद आपां मुल्क तों लैके जा रहे हैं, उहदे पैमाने ते मुल्क नूं देखना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही कहा तुसीं, क्योंकि जिथे कैनेडा और आस्ट्रेलिया की गल कर लिए तो एक अच्छी प्रोफाइल उहदे लई बिल्कुल चाहिए हुंदी है, पर कई जिहड़े अपनी 10th तों बाद पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हुंदे। जी जी अज अक्सर ऐड लाती जांदी पंजाबी दे विच कि तुहाडा 10 साल दा गैप, असीं तुहाडा सुपना करांगे पूरा, किहड़ा हो गया, बिल्कुल मशहूरियां ही है, राइट। मैं तां बचपन तों हसदा आ रहा वी इक क्रीम आउंदी सी, लाओ गोरा हो जाओगे, आके कैप्सूल खाओ लंबे हो जाओगे, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿਕਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਸੁੱਚਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਨੌਣਾ ਵਪਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰਸ ਓਪਨ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਦਕਿ ਐਨਯੂਐਸ, ਐਸਐਮਯੂ, ਐਨਟੀਯੂ ਵਰਗੀਆਂ ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚ ਹੈ, ਉਸ ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਈਟ। ਯੈਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬਟ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਖਰਚਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਬਟ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਚ 'ਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ, ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੋਈ ਬਾਏ ਕਰ ਲਏ, ਕੋਈ ਐਸ ਪਾਸ ਕਢਵਾ ਲਏ, ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅੱਜ ਵੀ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ, $1500 ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਸੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਹਰਜੋਤ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੋ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਹਰਜੋਤ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪਿੱਕ ਕਰੂੰਗਾ 10th ਪਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ, ਸੁਪਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਆਪਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ਮਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਲਓ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਦਾ ਪਾਥਵੇ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੰਦਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਲ ਪੜੂਗਾ, ਗਾਰੰਟਿਡ ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਗਾਰੰਟਿਡ ਕੈਸ਼, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਪੀਟੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਣੇ, ਕੈਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਾਰੰਟਿਡ ਹੈ। ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਮ, ਪ੍ਰਿਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਿਆ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਿਆ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? हाँ प्रिया, बिल्कुल ट्राई कीता जा सकदा, पढ़े की होए हो हले? टोरंटो एरिया भी ओपन है, वैंकूवर च बहुत कुछ ओपन है हले। सो लोकेशन देखो, अल्बर्टा खत्म, मैनिटोबा खत्म, जे आपां उत्थे जाना चाहुंदे मई इनटेक च कोई चांस नहीं है। जे आपां ब्रैम्पटन ही कल्ला जाना चाहुंदे आ, श्योर नहीं है कि ब्रैम्पटन होऊगा कि नहीं होऊगा, बट इन एंड अराउंड टोरंटो हो जाऊगा। वैंकूवर दे कॉलेजेस ओपन है, बीसी रीजनल ओपन है, क्यूबेक सारा ओपन है,
ठीक है। सो मेरा ख्याल कॉल तो आप कट करते जी, क्यूबैक नूं भुल गए, सिंगापुर ते आऊंगा। अज क्यूबैक की गल ही नहीं हो रही मेरे को, कल भी क्यूबैक का वीजा रिफ्यूजल भी है। कल भी मेरे को एक वीजा है जी, सागर हुड़िया नाम का बच्चा रुद्रपुर ब्रांच तो है, 18 महीने की जदोजहद तो बाल कल वीजा आया। जो मैं बलवीर भाजी कल फोन किया, कहते जी मैं कहा अज थानू मैं तो फोन कर रहा भी शुक्र है लंबा बच्चे बच्चे की आयल्स एक्सपायर होगी पई पई, राइट, आयल्स एक्सपायर होगी पई पई। सो संघर्ष कामयाब हो जी, क्यूबैक भी बंद नहीं होया। कमिंग बैक टू सिंगापुर, सिंगापुर 10वीं पास बंदा 30 साल तो उम्र थले हो 10वीं 12वीं बी टेक बी ए उतो अगो वीजे किवें आउंदे उहदा उदाहरण भी देंगे, उहदी भी बाइट्स असीं शो दे विच दिखावांगे। जी जी जी, हैलो, हां जी सत श्री अकाल जी, की नाम है, केड़ी जगह तो बोल रहे हो? दीपिका गल कर रही हां, मैं बठिंडा तो। हां जी, की सवाल है जी तुहाडा? मैं जस्ट कंफर्म करना चाह रही हां कि आईएलटीएस इजी है कि पीटी इजी है? सत श्री अकाल गीतिका, पहला तो दोनों अंग्रेजी दे इम्तिहान है जी, राइट, दोनों ही सौखे हैं, दोनों ही औखे हैं। जिन्होंने अंग्रेजी नहीं आती, जिन्हों ग्रामर नहीं आती, जिन्हों बेसिक्स नहीं आते, उसके लिए सारी पढ़ाइयाँ औखी है, राइट। बट हाँ, विजा विज पी टी की अज एडवांटेज यह है भी पी टी कैनेडा भी एक्सैप्ट करता, ऑस्ट्रेलिया भी एक्सैप्ट करता, यूके भी एक्सैप्ट करता, यूएस भी एक्सैप्ट करता, न्यूजीलैंड भी एक्सैप्ट करता, सारी कंट्रीज एक्सैप्ट कर दें, राइट। एक्सैप्ट कैनेडा का इक्वलेंसी टोटली सेम है। सो कई बच्चे ने जिन्हों का असी जो सूँ लगे कि आयल्स नो वो बैंड या सौखे बैंड उन्होंने पी टी हासिल कर लिया, राइट। एक तो टेस्ट की डेट्स नेड़े हैं, दूजा टेस्ट जिहड़ा हैगा वो ईजीअर है, कंपैरेटिवली ईजीअर टेस्ट हैगा दूजे नॉर्मल टेस्ट नालों। सो पी टी की एडवांटेज जो आप चकीए तो मेरे ख्याल कोई बुरा आइडिया नहीं रहेगा। सो कमिंग बैक टू सिंगापुर हरजोत जी, जी सिंगापुर दे विच गैप सब तो वड्डी जिहड़ी प्रॉब्लम है, या जिहड़ी कोले आर्थिक कमजोरी या फाइनैंशियल कमजोरी जिहनूं आपां कह लैंदे आ, या गैप, तिन्नां चीज़ां दा हल है, राइट। बट मैं फिर कह रहा जे तुहाडा कैनेडा हुंदा किरपा करके सिंगापुर वाले पासे मूंह ना करो। हाँ, यूरोप के वर्क परमिट खरीदते फिरते हो, कबूतरबाजी की एंट्रियां दे पैसे खराब कर दे, उन्हां नालों चंगा यार छत्ती यूक्रेन नालों चंगा है, जाके देखो, गूगल करो, रिसर्च करो भी कंट्री किवें दी है जी, कॉल लैंदे आ किवें दी कंट्री है किवें दी नहीं है, तुसीं आप जाणोगे जी। हैलो, किन्ने साल दा गैप है मंजोत? की पढ़े हुए मंजोत? किन्ना पढ़े हुए मंजोत? मंजोत, तुसी शो हुणे मेरा ख्याल लाइव देख रहे होने हो, सिंगापुर इकलौती ऑप्शन बचती है अपने को जिथे आप जा सकते हैं, पर सिंगापुर दो चीज़ा ध्यान रखियो मंजोत, सिंगापुर नूं मैं कैनेडा नहीं कहिंदा स्टूडेंट वास्ते, जबकि पासपोर्ट जिहड़ा हैगा सैकेंड मोस्ट स्ट्रोंगेस्ट पासपोर्ट अर्थ सिंगापुर का, यूएस पासपोर्ट तो स्ट्रोंग है, बट मैं बिल्कुल वो मेरे को है ही नहीं, ना मैं मिलना ना मैं मुकाबला करा। सो मनजोत वर्गे बच्चे, मनजोत सिंह आई थिंक मनजोत ही बच्चे, मनजोत वर्गे बच्चों सिंगापुर की ऑप्शन है। हूँ एक बंदा 10वीं करी बैठा, 8-10 साल का गैप हो गया, उन्हें कौन मुल्क एक्सैप्ट करो, राइट, किहड़े आधार से जाऊ? हाँ, हूँ सिंगापुर जाके फायदा की होगा, नुकसान की होगा? मैं दो पहलू सिक्के रखता हूँ हमेशा अगे, शुरू तो मेरे 10 साल पुराना शो कड़क देख लो, उस मैं गल कही होगी कि सिंगापुर तुसी गए, राइट, 6 महीने तुसीं पढ़ाई की थी, जिदे तुहानूं काम करन दे कानूनी अख्तियारात नहीं है। मैं टिप्पणी नहीं करता भी गैर कानूनी काम करो या ना करो, मैं तो कहूंगा ना करो, राइट, करते हैं बच्चे नहीं करते हैं, उपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा मंच के उपर। उस तो बाद 6 महीने की ओजीटी होंगी जी, कि $800 तो लैके $1500 6 महीने की तनखा का हूँ, मैं कहना जी उत्थे कोई जुगाड़ नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ, या देश परतना पै गया तो स्टारबक्स वर्गिया वड्डिया कॉफी चेन्स, किनिया ही कॉफी चेन्स ने अज जिहड़ियां हिंदुस्तान च बंदे लभदियां, साडे कोल उत्थे हॉस्पिटैलिटी का प्रोग्राम है, कुकरी का है, पटेसरी का है, कैफे का है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट लॉजिस्टिक के प्रोग्राम्स है, जिन्हां च फ्यूचर है। सो कॉल ले लेने जी एक, बिल्कुल। हैलो, हैलो, हाँ जी सत श्री अकाल जी, की नाम है, कैडी जगह तो बोल रहे हो? मैं ज्योति गल कर रही हूँ, मैं सकरूर की रहने वाली हूँ। हाँ जी, की सवाल है तुहाडा? मैं एक पूछना सीगा, मैं ना बीकॉम किया हुआ 2019 दे विच, जी मेरे 6.5 बैंड है गया, मैं कनाडा करना है, तो मेनू मई इनटेक चाहिए मैम। ज्योति सत श्री अकाल, बिल्कुल मिल जूगा तुहानू, मेरे चंडीगढ़ ऑफिस नेड़े पएगा, तुसी विजिट कर सकते हो, यार उपर नंबर लिखा उत्ते वट्सएप करके डॉक्स भेज सकते हो। मई इनटेक ओपन है, पर जे कोई लोकेशन नूं अड़िया बैठा फिर क्लोज्ड है, जे कोई बंदा अड़ के बैठा कि नहीं जी मैं तो मेरा 5 ग्रुप के कोल ही जाना, इतने मेरे रिश्तेदार रहते, फिर तो कम औखा है, राइट। जे तुसी लोकेशनली मोबाइल हो, मई इनटेक ओपन, और मई दे विच हाले वीजा जांच भी बहुत टाइम पै, देयर इज नथिंग टू वरी। लोगों से घबराहट पैगी कैनेडा लैके कि पता नहीं मई इनटेक के वीजाज भी आने हैं कि नहीं आने, मेरा ख्याल कॉल लंबी चल जाने जी उन्होंने कट देने कि आने हैं कि नहीं आने। सो वीजाज मई इनटेक के भी आने हैं,
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੇ ਦੀ ਵੀ ਹਰਜੋਤ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਕਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਲਾਂਗੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਅੱਜ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਊਗੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਊਗੀ ਫੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ GIC ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਡੇਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਸੀਜਨ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇਖੇ ਹੈ ਹਾਲ ਦੇਖੇ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਟਰ ਓਪਨ ਕਰਤੇ ਸਪਾਊਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਓਪਨ ਕਰਤੇ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਦਰ ਚੈਨਲਸ ਆਰ ਔਨ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਉਹਨੇ ਗੁਣਾ ਵਧਾਤੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਲੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਟੇਕ ਵਾਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕੋਮਲ ਹੈ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੋਮਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਐਮਕੋਮ ਹੈਗੀ ਹੈ 2014 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਗੈਪ ਓਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਿਆ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆਇਲਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਆਇਲਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸੋ ਜਿੱਤੇ ਇਹਨੇ ਐਮਕੋਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲਾ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਵੀ ਖੋਲਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਖੋਲਤੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਅੱਧੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰਾਈਟ ਸੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਬਦਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿੱਥੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਸਿੰਕ ਲਈਏ ਸੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਡਮ ਰਮਨਦੀਪ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭੋਗਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 6-7 ਸਾਲ ਓਕੇ ਤੇ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹੀ 10-12,000 ਮਿਲਦਾ ਬਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੀ ਪਿੰਡ ਚ ਵਿਹਲਾ ਨੀ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ 10-12,000 ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ੋਪ ਤੇ ਆ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਸਨ ਫੜਾ ਕੇ ਆਂਗਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ UK ਦਾ ਪਾਥਵੇ ਵੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਾਥਵੇ ਵੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਾਥਵੇ ਵੀ ਹੈ ਬਟ ਆਇਲਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਏ ਕੋ ਸਭ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਨਵੀਂ ਆਡੀਅੰਸ ਜੁੜੀ ਜੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਰੁਦਰਪੁਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਏਕੋਟ 'ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਰਾਏਕੋਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਮ ਨੰਬਰਸ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਰਸ ਦੀ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੇਂਜ ਚਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੈਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੇਂਜ ਚਾ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਜਦ ਤਾਈਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟ ਜੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕੀ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਪ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ ਸਰ ਗੈਪ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ
बेटा उम्मीद बिल्कुल घट है अज पता नहीं क्यों या तो शो ते कॉल्स हो जे आ रही है सिंगापुर ट्राई कर ले सिंगापुर साल पढ़ के राइट उदों बाद कैनेडा या ऑस्ट्रेलिया ट्राई कर ला मैं गारंटी नहीं दिंदा बाद दी पर ट्राई कर ला क्योंकि हुण जिन्ना गैप तेरे पै चुका है या तो इत्थे 3 साल पढ़ाई कर ग्रेजुएशन कर अपनी आराम नाल राइट एंड देन डिसाइड राइट क्यों सिंगापुर दे विच फिर कोई रिफ्यूजल आंदा है जानदे बेटा सिंगापुर दे विच भी बेटा सिंगापुर भी दसा चो एक या दो वीज़ा जरूर रिफ्यूज़ होंगे पर तेरे केस लगता नहीं रिफ्यूजल का कारण नहीं होना चाहिए सो दसा चो एक दो वीज़ा का सिंगापुर के विच भी रिफ्यूज़ होंगे सिंगापुर ने भी अच्छ प्रोसैस चेंज किया एस ओ पी मंगता है सिंगापुर भी अच्छ दस पुछना चाहता तुम क्यों पढ़न आ रहे हो की पढ़न आ रहे हो पढ़ के की करके जाओगे सो आई सी ए भी अच्छा सवाल काफ़ी पुछता प्रोसैस क्विक है जी हफ्ते के विच 10 दिन फाइल तैयार होकर लग जाती है तो मुड़ के 15 to 20 दिन नतीजा आ जाता सो लगभग महीना सवा महीने की मार है और सिंगापुर का नतीजा आ जाता मैं वीज़ा वर्ड नहीं यूज़ करूँगा खर्चा जिहड़ा है जो तो 4 lakh तो लैके 5 lakh पैंदा टिकट टुकट पा के 4 पैसे जेब च भी ले जाओगे कॉलेजों की फीस जी है जी 5,000 to 5,500 dollars तो शुरू हो जाती है चंगे कॉलेज की माड़े तो कुछ भी कर सकते हैं एड्यू ट्रस्ट 4 years देखना पैना क्योंकि लॉकडाउन के बहुत सारे कॉलेजेस ने भन तोड़ करने की कोशिश की पर सिंगापुर वर्गा सख्त मुल्क इन कोशिशों हूँ कामयाब नहीं होने दिता जी हैलो जी कॉल कट गई आप सिंगापुर की ही गल कर रहे हैं तो मैं इतने जरूर जाना चाहूँगी लाइक तुम जिम्मे कह रहे हो कि पाथवे प्रोग्राम मिल सकता है तो इस प्रोसैस में तुम ये भी कह रहे हो कि उस तो बाद की भी गरंटी नहीं है तो कि स्टूडेंट्स इन अपना श्योरली हरजोत हरजोत देख पहली गल है कि गॉड एंड फ्रॉड कैन ओनली गिव गरंटी मैं नहीं दिता जी जी दूजी गल है गुरुद्वारे मंदिर मत्था टेक के भी पता नहीं अरदास परमात्मा मनू कि ना मनू साडे वर्गे कंसल्टेंट या कॉलेजों की औकात है मैं अपने लिए वर्ड यूज करता साडी की औकात है असीं गरंटी दे दी जिस दाते दे दर ते जा के किसे अरदास करदे दाता मन्ने ना मन्ने कंसल्टेंट मन्ने हाँ जी आरती जी की सवाल है जी प्लस टू कीती हुई है मैम 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਟ ਮੇਰੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ सत श्री अकाल बेटा देखो पहली गल तो जा सकती है सच है जा पाएंगी कि नहीं ये पता नहीं तेरे सवाल मुक्तसर वाले मैं सीधा जवाब दे दिना भाई मेरा जा सकती है सच है जा पाएंगी कि नहीं ये एक वड्डा सवाल है देख गैप कवर होंदा है उत्थे आपां हॉस्पिटैलिटी पटेसरी कैफे या लॉजिस्टिक जो भी पढ़ते हैं वीजा ऑफिसर अंडरस्टैंड करता भी एक कंट्री गई उत्थे पढ़ी उस कंट्री तो वापस आ गई सो शी इज अ क्लीन गर्ल की थां तो पढ़ के वापस आई है दूजा यह भी कहता अच्छा उत्थे साल गैप करन करन गई सीगी बट साडे कोले पाथवेज ने सो एक सपोर्टिंग लैटर लग जांदी भी इत्थे इह पढ़ी है इहनूं इत्थे पढ़ाई दे विच असीं अगे एडमिशन दिवाउण दी कोशिश जरूर कर सकदे ओके जी मतलब इस तरीके इक तरीका होंदा प्रेजेंट करन दा इस चीज नूं भी हैलो ठीक है सिंगापुर प्राइस तरीके भेजूंगे लुटे ना जा लुटे ना जा जे बच्चे इतने 2014 तो पढ़ाई खत्म करके अज मेहनत कर रहे हैं माँ प्यो नूं 2 rupees कमा के घरे दिंदा संघर्ष का साथी बने सलाम है तुहानूं यार कैनेडा वाले तो आप सारे सलाम दें आस्ट्रेलिया वाले कि 2014 च गया बड़े पैसे कमा ले सलाम इन्हां नूं भी है जेडे किसी हालात करके बाहर नहीं जा सके सलाम इन्हां नूं भी है जेडे इत्थे पिंड दे रोड ते खड़े होकर बरसता ते कॉफी पिलाउंदे सलाम उन्हां नूं भी है जेडे सबवे ते खीरे इत्थे कट रहे ते रुपइयां च कम कर रहे डॉलरां च नहीं कर रहे सो सिंगापुर तुहानूं लजाण दी उम्मीद दिंदा बट उत्थे उम्मीद की लेके जा रहे हो वो एक सच है शो पूरा लगातार सिंगापुर से करना औखा क्योंकि मेरे अच्छ कैनेडा वाले दोस्त यार नाराज हुए हैं सारे कि अज सर कोई मेन इनटेक की गल नहीं कोई कोर्सिस की गल नहीं कोई रिजेक्शन की गल नहीं सो समय भी मेरा ख्याल बहुत ज्यादा नहीं रहा शो के विच
सो जिन्या कॉल्स हैं उन लेने की कोशिश जरूर करांगे बट सिंगापुर यस इज अ गुड प्लेस बट पोस्ट स्टडी की हालात ने सिंगापुर वाले मेनू पर्सनली मिलो यार मैं थोड़ी काउंसलिंग पर्सनली करनी चाहूंगा कैनेडा वाले बच्चे सब पता है सर जी ड्यूरैम ओपन है कि नहीं ओपन सर लॉयलिस्ट ओपन है कि नहीं अज जे लॉयलिस्ट का मैसेज मेरे फोन से आया सारे एजेंटा दे गया सारे ने बच्चों दसना जी अज एआई का टू ईयर ओपन है अज फलाना ओपन अज फलाना ओपन हो गया मेरे ऑफिस में थोड़ा कॉल आ गई कि सर अज फलाने फलाने तीन प्रोग्राम ओपन हो गया आपने अपलाई करना था बताएं करवा सकते हैं राइट बट सवाल यही आता है कि सिंगापुर वाले बच्चे मैं पर्सनली मिलना चाहूंगा उन्हें समझाना चाहूंगा भी है की है अमृतसर साडी ब्रांच रंजीत एवेन्यू च हैगी है 27 नंबर शोरूम दे विच अजीत अस्पताल दे सामने और सब तो वड्डा पीटी सैटअप साडा अमृतसर च है राइट जे साडे आप दे मेरे ख्याल 15-20 बच्चियां देखता पीटी सैटअप दे रूम्स ने उत्थे सो पीटी बिल्कुल कराउने जी अमृतसर दे विच पीटी दे विच साडा टचवुड चंगा होल्ड और थैंक यू जे तू बठिंडे होवे तेरे फ्रेंड ने पीटी कीती सैटिस्फाई होया तां साडे कोले आया सो आईएलटीएस पीटी असीं दोनों चीज़ां कराउने ध्यान नाल सीडी आईएलटीएस भी है चाहे आईएलटीएस है चाहे पीटी है इन्हां तिन्नां चीज़ां दी साडियां 8 अकैडमी है जिथे इत्थे गो ग्लोबल दा ऑफिस है उत्थे अकैडमीज़ है हाँ साडे हाईवे दे उपर बहुत वड्डे पोस्टर नहीं लगे होंदे ना साडे कोले जे आईएलटीएस या पीटी कुछ भी करन आणा तां इहो जे सीरियस हो जे सिर्फ टाइम टपाउणा है यारां दोस्तां नाल घुम्मणा मिलना ते किरपा करके किते होर एडमिशन ले लो साडी आईएलटीएस पीटी थोड़ा सख्ताई दा माहौल है सख्ताई दा माहौल है विच छुट्टी करोगे ते मैडम फोन कर दूगी किथे है काका क्योंकि असीं ना 200 जवाक पढ़ाउणा ना 500 दी असीं उम्मीद करनी साडे हर सेंटर ते 40 तों लै के 60 बच्चा है उन्नी की असीं पढ़ाउणे आ उन्नी की साडे कोले कमरे है उन्नी की साडे कोले थां है सो पीटी बिल्कुल अमृतसर दे विच वी कराउणे और सारे शहरां दे विच जिथे ते गो ग्लोबल दी ब्रांच है हर थां ते पीटी आईएलटीएस कीती जांदी है रायकोट वर्गे शहर दे विच वी पीटी आईएलटीएस कीती जाऊगी रुद्रपुर दे विच वी पीटी आईएलटीएस और रुद्रपुर वालिआं नूं धन्नवाद करना जी थोड़े प्यार सदके थोड़े जे वड्डे ऑफिस च मूव हो रहे हैं जी बठिंडे भी ऑफिस वड्डा करिया सो थोड़े प्यार सदके बठिंडे भी नवा ऑफिस बनाया रुद्रपुर भी जिथे पुराना ऑफिस सीगा उसे रोड दे उपर दे जमा सामने एड्रेस स्क्रीन ते आना शुरू हो जाऊगा थोड़े दिनों ताईं उत्थे मूव करके एक वड्डा सैटअप बनाया जी 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 बिल्कुल सर लगातार जो है दर्शक साडे नाल जुड़ रहे ने सवाल कई ने हेलो सश्रीकाल मैम मनीषा गल कर रही हूं सश्रीकाल जी की ना केड़ी जगह तो बोल रहे हो तुसी मनीषा मनीषा छेती कर लो जी बार बार कैमरा टीम का इशारा हो रहा है कि 1.5 मिनट रह गए की सवाल है तुहाडा बठिंडे होऊंगा सो उस हिसाब मेरा टूर प्लान चेक कर लियो जी ते मैनूं इन्हां तिन्नां शहरां तुसीं आ के मिल सकदे हो सो सिंगापुर तों अलावा अगला शो कैनेडा दे करन दा पूरा वादा करांगे साडा फेसबुक पेज यूट्यूब पेज जिथे असीं लाइव होंदे आ उत्थे भी तुसीं आपदे कमेंट सवाल जरूर शेयर कर दिया करो जे नाराजगी हुंदी है इनबॉक्स कर दिया करो वीरे वॉल लिख के कुछ नहीं लगना राइट वैसे परमात्मे देना यह कुछ है ही नहीं बट कई बार की होंगे अफसोस यह होंगे भी जो सब तो कोई नाराज है हर परिवार च नाराजगी होंगी हर व्यापार च नाराजगी होंगी मेरे पहुंचाता दो यार मेरे उलांबा तो दे लो जे मैं मंच से बैठा थोड़ू बुलान कूका मारता आ रहा थोड़े उलांबिया का हकदार भी मैं सोचो मेरे कोई शिकवा हो मेरी किसी नेड़े की ब्रांच आके मैं जरूर मिलो जी 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 बिल्कुल तो मैं पूरी उम्मीद है कि थोड़े सवालों के जवाब अज इस शो के जरिए अं जरूर थोड़े तक जवाब पहुंचा सके हाँ तो फिर भी कोई सवाल रह गया हो जरूर तुम कॉल कर सकते हो लगातार नंबर जो है डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन के उपर तो सवाल का जवाब जरूर ले लिया करो क्योंकि कोई सवाल का जवाब जब रह जाता तो वो तुम्हें खराब करता है जो क्वेरी थोड़े मन में फंसी रह जाती है तो कितने गलत जानकारी जब मिल जाती है तो उस अपना कई बार फ्यूचर प्लान करने कितने गलत डिसीजन ले लें तो मैं जाते जाते एक छोटी जी गल कैनेडा के मई इनटेक या हाले मई भी ओपन है जनवरी भी ओपन है कुछ कॉलेजेस दा सो एंड नहीं होया हाले वैंकूवर बहुत ओपन पे आज वैंकूवर दी गल नहीं हो रही वैंकूवर च मेजर कॉलेजेस एज ऑफ नाउ ओपन ने सो ऑप्शंस दी कमी नहीं है कि जे अपन लोकेशनली मोबाइल जी ते तुहाडा बहुत-बहुत धन्यवाद है तुसी सारी जानकारी साडे दर्शकां तक पहुंचाई है ते इस दे नाल ही हुन मैनू यानी कि हरजोत कौर नूं भी दो इजाजत धन्यवाद